पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी री एग्जाम के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जिन छात्रों ने ये परीक्षा दी है वो अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/neet पर जाकर चेक कर सकते हैं। क्रिस मार्क्स विवाद के बाद दोबारा हुई नीट यूजी परीक्षा में 1563 में से 813 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोबारा नीट यूजी परीक्षा देने वाले 813 छात्रों में से किसी को भी 720 में से 720 अंक नहीं मिले हैं। साथ ही टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 रह गई है। बताया जा रहा है कि 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल करने वाले 6 में से 5 स्टूडेंट्स ने भी ये परीक्षा दोबारा दी थी, लेकिन इस बार इन सबको 720 नंबर नहीं मिले। हालांकि इनके स्कोर 680 से ऊपर है। बता दें कि नीट यूजी री एग्जाम की फाइनल आंसर की 30 जून को दोपहर 1:30 बजे जारी हुई थी। इस परीक्षा का आयोजन बीती 23 जून को देश के 19 केंद्रों पर दोबारा किया गया था, जहां पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। दरअसल एनटीए ने पहले नीट यूजी परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए थे, लेकिन विवाद बढ़ने पर इस ग्रेस मार्क्स को रद्द करके दोबारा परीक्षा का आयोजन करने का फैसला किया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि रिजल्ट चेक करने के लिए एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आपको क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं। सबसे पहले exams.nta.ac.in/neet पर जाएं, फिर होम पेज पर नीट यूजी आर एग्जाम 2024 पर क्लिक करें, नया पेज ओपन करके लॉगिन करें, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड डालें। आपके सामने आपका रिजल्ट खुलकर आ जाएगा। रिजल्ट को आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो जिन छात्रों ने अभी तक अपने नीट यूजी री एग्जाम के नतीजे नहीं देखे हैं, वो फौरन इस प्रक्रिया को फॉलो करके अपने नंबरों को चेक कर लें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।